कलेक्टर ने बच्चों को गाड़ी में बैठाकर किया सवाल, शिक्षकों की खुली पोल। नक्सली इलाकों में कलेक्टर ने जानी शिक्षकों की हकीकत। टेमने के दो शिक्षकों की दो वेतन वृद्धि रोकने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। इन दिनों कलेक्टर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं। वहीं वह स्कूली बच्चों को गाड़ी में बैठाकर उनसे शिक्षकों और पढ़ाई की चर्चा की गई, तो बच्चों ने सारी हकीकत कलेक्टर के सामने बयां कर दी। जी हां, आप ही देख लो। अच्छा, और कौन कौन से मास्टर साहब आते हैं? गणित, हिंदी, संस्कृत। सबका नाम पता है मास्टर का? जी। कितने टीचर हैं स्कूल में? दो। दो। बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लांजी विकासखंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम टेमनी के स्कूल का निरीक्षण किया और बच्चों से जानकारी ली, जिससे पता चला कि शिक्षक नियमित रूप से पहुंचते ही नहीं हैं। इस पर वहां के प्रभारी प्रधान पाठक और शिक्षक की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, ऐसे में यहां पर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने स्कूल के नए भवनों को बनाया है, तो वहीं यहां पर टीचरों की भी पद स्थापना की है। लेकिन आलम यह है कि इन स्कूलों में टीचर कितने दिन आते हैं वह उंगलियों में गिना जा सकता है। ऐसा ही नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा लाजी विकासखंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम टेमनी के स्कूल का निरीक्षण किया, जिसमें निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पहले तो बच्चों से बात की, फिर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर पूछा कि स्कूल में शिक्षक रोज आते हैं, तो बच्चों ने बिना किसी डर के उन्हें बताया कि वह महीने में 2 से 3 दिन ही आते हैं। बच्चों के इस जवाब को सुनकर कलेक्टर मिश्रा भी हैरान रह गए। कलेक्टर मिश्रा ने बच्चों से बात करते हुए बकायदा वीडियो भी बनाया, जिसमें बच्चे साफ कहते दिखाई दे रहे कि प्रधान पाठक बहुत ही कम आते हैं। वहीं जब बच्चों से पूछा कि हिंदी अंग्रेजी के टीचर आते नहीं हैं तो आपको कौन पढ़ाता है, तो बच्चों ने जवाब दिया, कोई नहीं। अच्छा, और दो टीचर और दो तो एक मैडम भी आती है ना गांव से? जी। उनका क्या नाम है? सरस्वती। तो सभी लोग आते हैं? जी। तो प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि हम कम आते हैं, बहुत कम, तो उधर से आते हैं बोले गांव से, गांधी साइड से, स्कूटी से। कितना दिन पे आते हैं? हाँ बताओ बेटा, कितना दिन पे आते हो प्रिंसिपल साहब? महीना में 2-3 बार आते हैं। अच्छा, और फिर बाकी फिर कौन पढ़ाता है बाकी? उनका सब्जेक्ट कौन सा है? वो वाले सर कौन सा पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। वो जो लांजी से आते हैं स्कूटी से, वो क्या पढ़ाते हैं? हिंदी अंग्रेजी। तो जब वो आते नहीं तो हिंदी अंग्रेजी फिर कौन पढ़ाता है? कोई नहीं। ओके। अब इससे आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्गम आदिवासी अंचलों में शिक्षा का क्या आलम है। ऐसे में अगर टीचर ही स्कूलों से नदारद रहेंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल पाएंगी और वो अपने सपनों को किस तरह साकार कर पाएंगे। वहीं बच्चों से जानकारी मिलने पर कलेक्टर मिश्रा ने वहां के प्रभारी प्रधान पाठक डिलेश्वर बागमारे और प्राथमिक शिक्षक दान सिंह धुर्वे की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए हैं। सबका नाम पता है मास्टर का? जी। कितने टीचर?